दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं पंचायत सहायकों के बारे में बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर। दोस्तों क्या पंचायत सहायक को लेकर सरकार के द्वारा कुछ एक अपडेट जारी किया गया है? क्या पंचायत सहायकों को 1 दिसंबर 2021 से मानदेय मिल रहा है? जिन पंचायत सहायकों की नियुक्ति नहीं हुई है उनका क्या होगा? पंचायत सहायकों को 25 जुलाई 2021 के शासनादेश को कड़ाई से पालन करना होगा अगर आपको अपना मानदेय लेना है। DPRO जिला पंचायत राज अधिकारी के ऑफिस से क्या आदेश जारी हुआ है और उस आदेश का आपको कैसे पालन करना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों एक निवेदन करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक शासनादेश जारी हुआ है जो दिख रहा है, ये कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत ऑफिस से जारी हुआ है। यह शासनादेश समस्त खंड विकास अधिकारी जनपद पीलीभीत के नाम है, समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत जनपद पीलीभीत के नाम है। दोस्तों ये शासनादेश को आधार मानकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सभी जनपद में इस तरीके के शासनादेश समय समय पर जारी होते रहेंगे। दोस्तों इस शासनादेश को पढ़कर मैं आपको सुना देता हूँ। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या दिनांक 7 दिसंबर 2021 के द्वारा प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित किए जाने हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 25 जुलाई 2021 के क्रम में ग्राम पंचायतों के द्वारा पंचायत भवन हेतु आवश्यक निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए ग्राम सचिवालय की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण जहां पर हो चुका है वहां पर पंचायत सहायक चार्ज ले चुके हैं। जहां पर ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण नहीं हुआ है या निर्माणाधीन है वहां पर आप अपने संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO ऑफिस में ज़रूर सूचित कीजिए ताकि आपको किराए का सचिवालय सरकार के द्वारा दिया जा सके। दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और बात कर रहे हैं ग्राम सचिवालय के निर्माण को लेके। ग्राम सचिवालय के तत्काल संचालन हेतु शासन द्वारा निम्न प्रकार से कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। ग्राम पंचायत के नियमित संचालन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों का चयन व तैनाती की जा रही है। जिन पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की चयन पूरा किया जा चुका है वहाँ उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बदले दिनांक 1 दिसंबर 2021 से प्रतिमाह 6,000 रुपये का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कई ग्राम पंचायतों में 6,000 रुपये का मानदेय दे दिया गया है। शेष ग्राम पंचायतें जहां अभी तक पंचायत सहायकों का चयन व तैनाती की कार्यवाही पूरी नहीं की गई वहां चयन व तैनाती की कार्यवाही तत्काल पूर्ण किए जाए, ऐसे ग्राम पंचायतों में 6,000 रुपये मानदेय प्रतिमाह का भुगतान उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं के सत्यापन के उपरांत तैनाती की तिथि से किया जाएगा। यानी जो लोगों का अनुबंध पत्र साइन होकर उनकी नियुक्ति हो चुकी और ग्राम पंचायत सचिवालय में बैठ रहे हैं उनको 1 दिसंबर 2021 से 6,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। जो लोग नहीं बैठ रहे हैं उनको तय तिथि में जब उनकी तैनाती होगी ग्राम सचिवालय बनने पर तब उनको 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करते मुझे मोटिवेशन मिलता ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों पंचायत सहायक के द्वारा पंचायत घर पर उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज की जाएगी तथा जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत घर नहीं है वहां पर ग्राम पंचायत का कार्यालय जिस भवन में स्थापित हो उस भवन में पंचायत सहायक के द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण कराते हुए उपस्थित पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। पंचायत सहायकों को मानदेय का भुगतान प्रधान सचिव के द्वारा उनकी उपस्थिति तथा कार्यों को प्रमाणित करने के उपरांत ही किया जाएगा। पंचायत सहायकों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन शासनादेश दिनांक 25 जुलाई 2021 के प्रस्तर 21 व 22 के क्रम में किया जाएगा। दोस्तों शासनादेश जो 25 जुलाई 2021 को आया था उसमें पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर को सौंपे जाने वाले कुछ दायित्व के बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आपको दायित्व के बारे में पता रहेगा तो आप अपने कर्तव्य का निर्वहन बड़े आसानी से करेंगे। दोस्तों नंबर 1,
पंचायत सहायक अकाउंटेंट एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्राम सचिवालय व पंचायत कार्यालय को नियमित रूप से खोलने एवं संचालित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। नंबर दो, पंचायत सहायक अकाउंटेंट एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभार्थियों की योजनाओं के बारे में सूचना ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पर मेंटेन करनी होगी। नंबर तीन, ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी, योजनाओं के संबंध में, योजनाओं की पात्रता के संबंध में अथवा लाभार्थियों के संबंध में कंप्यूटर में मेंटेन की जाएगी। नंबर चार, ग्राम पंचायत में सभी पात्र व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम पंचायतों में अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के संबंध में जानकारी चाहता है अथवा इंटरनेट के माध्यम से कोई कार्य संपादित कराना चाहता है तो उसमें उसकी मदद की जाएगी। नंबर पाँच, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पेयजल के यूजर चार्ज के नियमित कलेक्शन एवं रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य भी पंचायत सहायक के द्वारा किया जाएगा। नंबर छः, पंचायत सहायक अकाउंटेंट एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों में प्रतिभाग किया जाएगा तथा उच्चाधिकारियों के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन ग्राम प्रधान सचिव के माध्यम से ही किया जाएगा, अतः उक्त के संबंध में कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें। जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत के द्वारा ये शासनादेश जारी किया गया है। दोस्तों, इस शासनादेश का अगर निचोड़ मैं आपको बताऊं तो आने वाले समय में जो भी काम आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा या 25 जुलाई 2021 को जो भी शासनादेश जारी हुआ था उसमें जो भी काम आपको दिया गया था उसका आप कड़ाई से निर्वहन करेंगे, यानी आने वाले समय में सरकार के द्वारा जो भी आपको जिम्मेदारियां दी जाती उस जिम्मेदारी का पालन आपको करना होगा। जिम्मेदारी निभाने में अगर कहीं भी आपको कोई समस्या आती है तो अपने जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO ऑफिस में ज़रूर संपर्क कीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी काम आप करें उस काम को बड़े आसानी से करें और सरकार के द्वारा दिए गए हर एक काम पर आप खरे उतरें ताकि आने वाले समय में आपका अवलोकन आपके पंचायत अधिकारियों द्वारा करने पर आपका एग्रीमेंट, आपका सहमति पत्र और सालों साल बढ़ता रहे ताकि आने वाले समय में हर एक चीज़ को आप बड़े आसानी से करें और आपकी पंचायत सहायक की नौकरी उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप सरकारी हो जाएं क्योंकि आने वाले समय में जिस कदर से बेरोज़गारी है उस हिसाब से सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल नज़र आता है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने कर्तव्य का निर्वहन बिल्कुल 200% देकर कीजिए ताकि आने वाले समय में आप पे कोई उंगली ना उठा पाए और सरकार के द्वारा जो भी काम दिया जाए उस काम में आपकी सहभागिता सबसे ऊपर रहे, यानी नंबर एक पे रहे। देखिए दोस्तों, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश बैंकिंग कॉरपोरेट नरेगा मेच और पंचायत सहायक के साथ साथ पंचायत मित्रों में भी कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि आने वाले समय में सब कोई चाहता है कि हम सरकारी हो जाएं। तो निर्भर करता है आपके कामकाज पर, आपके अवलोकन पर, आपके एनुअल परफॉर्मेंस पे ताकि आने वाले समय में आपको अधिकारियों के द्वारा अच्छे से अवलोकित किया जाए और आपको अच्छे नंबर दिए जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। दोस्तों, वीडियो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया, एक निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को अंदर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जय हिंद।